गरीब की दीपावली। माँ, आपको पता है कुछ दिन में दीपावली आने वाली है? अच्छा, तुमसे किसने बोला? वो अध्यापिका जी ने बताया कि इस दिन श्री राम सीता माता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घरों में दिए जलाए थे। उस दिन की याद में दिवाली हर साल मनाई जाती है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बताया अध्यापिका जी ने। माँ, आप मेरे लिए भी दिवाली पर नई फ्रॉक और मेरी मनपसंद जलेबी लाना। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। गायत्री नाम की ये महिला सोनपुर गांव में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गायत्री के पति हरिया अब इस दुनिया में नहीं थे, एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब गायत्री अकेले ही अपने घर और अपनी बेटी को संभाल रही थी। गायत्री उसी गांव के मुखिया सेठराम प्रकाश के घर पे झाड़ू पोछे का काम करती थी। वहीं काम करके गायत्री जो कुछ कमा पा रही थी उससे गुड़िया की पढ़ाई और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सेठ राम प्रकाश के घर पर सुजाता नाम की एक और औरत भी खाना बनाने का काम करती थी। सुजाता बहुत ही चालाक औरत थी। वो हमेशा सेठ की बीवी को गायत्री के खिलाफ भड़काती थी और हमेशा सेठानी से गायत्री को डांट खिलवाती थी। एक दिन गायत्री सेठ के घर पर काम कर रही थी, तभी सेठानी गायत्री के पास आती है। गायत्री, हम दिवाली का सामान लेने बाजार जा रहे हैं, तुम घर की सफाई कर लेना। जी सेठानी, मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। सेठ राम प्रकाश और सेठानी बाजार चले जाते हैं और पीछे से गायत्री पूरे घर की सफाई कर देती है। सुजाता ये मौका देखकर सेठानी के कमरे में चुपके से जाती है और उसकी एक साड़ी चुरा लेती है। शाम होते ही सेठ और सेठानी दोनों जब घर पर आते हैं और सेठानी गायत्री को बुलाती है और सामान उठाकर कमरे में रखने के लिए बोलती है। गायत्री सारा सामान उठाती है और कमरे में रख देती है। सुनो, इन दोनों के पैसे आज याद से दे देना, कल दिवाली है, ये भी अपनी दिवाली अच्छे से मना लेंगी, और इनका दिवाली बोनस भी दे देना। जी, मैं अभी दे देती हूँ। सेठानी जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके अलमारी में सारे कपड़े बिखरे हुए थे और जो साड़ी वो दिवाली के दिन पहनने के लिए लाई थी वो भी वहाँ नहीं थी। वो गायत्री को बुलाती है। गायत्री, मेरी अलमारी को किसने खोला और मेरी साड़ी यहाँ नहीं मिल रही है? तुमने सफाई करते हुए कहीं रख दी है क्या? नहीं मालकिन, आपकी साड़ी मैंने नहीं देखी, यहीं कहीं होगी। तभी वहाँ सुजाता आ जाती है। सुजाता, मालकिन की साड़ी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी क्या? तू ही तो यहाँ सफाई कर रही थी, मालकिन की साड़ी भी तो साफ नहीं कर दी तूने। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुजाता? मालकिन, आप गायत्री पर भरोसा करके सब सामान ऐसे ही छोड़ देती हो, देखो चोरी हो गई ना आपकी साड़ी। सुजाता की ये बातें सुनकर सेठानी गायत्री पर बहुत गुस्सा होती है। देख गायत्री, अगर मुझे मेरी साड़ी नहीं मिली ना तो मैं तुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगी और आज से हमारे घर पर काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। तभी उनकी आवाज सुनकर सेठ भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हो गया है, इतना शोर क्यों आ रहा है? देखिए ना, ये गायत्री ने मेरी साड़ी चुरा ली है, न जाने कहाँ छुपा कर रख ली है इसने। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई साड़ी नहीं चुराई। चुप करो तुम और निकल जाओ मेरे घर से। पहले भी न जाने मुझे कितनी छोटी छोटी चीजें नहीं मिली हैं, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। सेठानी गायत्री को बुरा भला सुनाकर वहाँ से भेज देती है। गायत्री भी रोते रोते अपने घर चली जाती है। सुजाता मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। गायत्री घर आती है। माँ, आप काम से आ गई? गुड़िया पानी का गिलास लेकर आती है और अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज फिर आप मेरे लिए नई फ्रॉक नहीं लाई ना? बेटा, अभी वो काम के पैसे नहीं मिले। माँ, कल तो दिवाली है और मुझे कल शाम को नई ड्रेस पहननी है। गायत्री का गुड़िया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसके दिमाग में तो बस सेठानी की ही बातें चल रही थी। आज सेठानी की नजरों में मैं एक चोर बन गई हूँ, मैं कैसे बताऊँ उनको।
कि मैंने उनकी साड़ी नहीं चुराई। तभी गुड़िया अपनी माँ को हिलाते हुए बोलती है, माँ तुम कहाँ खो गई? आप मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? हाँ ठीक है, कल ले आऊंगी। पूरी रात गायत्री को नींद नहीं आई। वह परेशान थी कि अब वो घर कैसे चलाएगी और कल दिवाली पर कैसे सामान खरीद पाएगी। ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है, गुड़िया भी उठ जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज दिवाली थी। माँ आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? गुड़िया की बातें सुनकर गायत्री गुड़िया से झूठ बोलती है। बेटा आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ आपको? आस हो जाती है क्योंकि उसकी माँ आज काम पर नहीं जाएगी और ना ही उसके लिए नई ड्रेस और ना ही कोई मिठाई लाएगी। सुबह से शाम हो गई थी। गुड़िया देख रही थी कि सबके घरों में दीपक जलने लगे थे और सब नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे और अपनी दिवाली मना रहे थे। गायत्री के घर पर कोई दीपक नहीं जला था। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। गायत्री बाहर आती है तो वो देखती है कि सेठ और सेठानी उसके घर आए थे। उनको देखकर गायत्री रोने लगती है और बोलती है, सेठानी जी आपकी साड़ी मैंने नहीं चुराई। तभी सेठानी बोलती है, मुझे पता है कि तूने मेरी साड़ी नहीं चुराई, वो साड़ी तो सुजाता ने चुराई थी। क्या सुजाता ने चोरी की थी? हाँ, कल रात ना जाने उसने हमारे खाने में क्या मिला दिया जिसकी वजह से हम सभी बेहोश हो गए थे। जब हम होश में आए तो हमने देखा कि घर की तिजोरी खुली हुई थी और उसमें रखे जेवर और पैसे चोरी हो गए थे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस के हाथों वो पकड़ी गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए दिवाली का सामान लेकर आए हैं और कुछ मिठाइयाँ भी लाए हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर गुड़िया भी बाहर आ जाती है। उसको देखकर सेठानी गुड़िया को अपने पास बुलाती है। इधर आओ बेटा, मैं आपके लिए और आपकी माँ के लिए नए कपड़े लाई हूँ। गुड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ और सेठानी जी। फिर गुड़िया अपनी नई ड्रेस पहनती है और घर में दिए जलाती है और खूब सारी मिठाइयाँ खाती है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बांझ बहू की लक्ष्मी पूजा। गोपाल नगर नामक एक गाँव था जहाँ गीता नाम की एक महिला अपने पति सोहन और सास ससुर के साथ रहती थी। गीता लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज सुबह लक्ष्मी माता की पूजा करती थी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। गीता की शादी को बहुत साल हो गए थे लेकिन अभी तक उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करने और दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गीता की सास सोहन से कहती है, गीता जा मेरे लिए एक गिलास में पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे सोहन बेटा, मैं तो कहती हूँ अब तू दूसरी शादी कर ले, ये बांझ तुझे कभी बच्चे का सुख नहीं देगी। मैं भी मरने से पहले अपने पोते को देखना चाहती हूँ। तभी गीता कमरे में आती है। गीता तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे सभी दोस्तों के बच्चे हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तेरे में ही तो कमी है जिसकी वजह से तू औलाद को जन्म नहीं दे पा रही। सोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गीता की सास गीता को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। गीता रोज रोज ये बातें सुनकर परेशान हो गई थी। एक दिन पड़ोस से रीना नाम की औरत अपनी बेटी के साथ आती है। गीता रीना की बेटी को उठा लेती है। रीना, आरजू तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, और बहुत शरारती हो गई है दीदी, पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है। तभी वहाँ गीता की सास आ जाती है।
नमस्ते चाची जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? कुछ लेना था क्या? नहीं, बहुत दिन हो गए थे गीता से मिले हुए, तो बस मिलने चली आई। सुमित्रा रीना और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका परिवार गरीब था। गीता खुद की औलाद तो तुझसे पैदा नहीं होती, कब तक दूसरे के बच्चों को खिलाती रहेगी? ये गरीब लोग तो यही चाहते हैं कि तू सब पैसा इनके ऊपर बर्बाद कर दे। सुमित्रा की बात सुनकर रीना वहां से चली जाती है और गीता भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन सोहन के पिता उसकी माँ से बोलते हैं, मैंने सुना है गांव में एक चोटी वाला बाबा आया है। लोग बता रहे हैं कि बहुत ही सिद्धियों के बाद वो यहाँ आए हैं। तुम इसे उनके पास लेकर जाओ। ठीक है जी, कल सुबह मैं इसे बाबा के पास लेकर जाऊंगी। सुमित्रा गीता को अपने साथ चोटी वाले बाबा के पास ले जाती है। बोलो, क्या समस्या है आपको? बाबा जी, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहू को कोई औलाद नहीं हुई। इसका कोई निवारण बताइए बाबा जी। चोटी वाले बाबा गीता को देखते हैं और बोलते हैं, इस पर तो बुरी शक्तियों का साया है। अगर तुम चाहती हो कि इसकी औलाद हो जाए, तो तुम्हें इसे लगातार 4 दिनों तक मेरे पास लाना होगा। ठीक है बाबा जी, मैं कल से इसे रोज ले आऊंगी। अगले दिन सुमित्रा गीता को बाबा के पास ले जाती है और वहाँ वो चोटी वाले बाबा गीता को एक लोटे से जल देते हैं और गीता उस जल को पी लेती है। अब देखना, बहुत ही जल्द तेरे घर में औलाद की किलकारियां गूंजेंगी। सुमित्रा और गीता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर जाकर सुमित्रा सोहन के पिता से बोलती है, बाबा ने बोला है कि बहुत जल्द हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, बाबा ने ऐसे बोला है तो जरूर ऐसा ही होगा। आखिरी दिन सुमित्रा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वो गीता को अकेले ही तांत्रिक के पास भेज देती है। अरे, आज तुम्हारी सासू माँ नहीं आई? आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है जल ग्रहण करने का, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ कुटिया के अंदर जाकर जल ग्रहण करना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बाबा की ये बातें सुनकर गीता को घबराहट होने लगती है, लेकिन मजबूरी के कारण उसे तांत्रिक के साथ उसकी कुटिया के अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाते ही वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुझे संतान चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। गीता अपना हाथ छुड़ाकर भागती है और कुटिया के बाहर आ जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। तांत्रिक की ऐसी हरकत से गीता बहुत घबराई हुई थी। गीता घर पहुंचते ही अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद वो चोटी वाले बाबा भी उसके घर आ जाते हैं। प्रणाम बाबा। अगर तुम्हें औलाद का सुख नहीं चाहिए था तो क्यों अपनी बहू को मेरे पास भेजा? क्या हुआ बाबा, क्या किया इसने? उसने मेरा जल लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो औलाद नहीं चाहती। उसे मेरे पास लाकर तुम सब ने मेरा अपमान किया है। नहीं बाबा, मैं उसे बुलाती हूँ। सुमित्रा गीता को बाहर बुलाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। माँ जी, ये बाबा मुझे अपने साथ कुटिया में ले गया था और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैं वहां से भाग आई। घोर अपमान, अब तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। चोटी वाले बाबा वहां से चले जाते हैं। गीता के सास ससुर उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं और गीता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। हे माँ, कब मुझे औलाद का सुख मिलेगा? कब तक मुझे ये बांझ शब्द सुन सुनकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा? और गीता ये बोलकर रोने लगती है। आज दिवाली का दिन था और गीता बाजार में दिवाली का सामान लेने जाती है और वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखती है। वो बिल्ली घायल हालत में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे, इस बिल्ली को तो बहुत चोट लगी हुई है, इसे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। गीता उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर,
मुझे सड़क पर ये इस हालत में मिली थी। देखिए इसे कितनी चोट लगी है। आप चिंता मत करिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं जो किसी बेजुबान की मदद के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर उस बिल्ली का इलाज करके उसे दे देता है। गीता उसे उठाकर घर के लिए ले जाने लगती है, तभी वो बिल्ली हवा में उड़ने लगती है और उसके सामने एक तेज प्रकाश हो जाता है और उसके सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। गीता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और लक्ष्मी माता गीता को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती है और गीता घर आकर सभी घर वालों के साथ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करती है। गीता गरीब बच्चों को मिठाई बांटती है और सभी मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। आज सभी गीता के साथ बहुत प्रेम से बात कर रहे थे। गीता समझ गई थी कि ये सब लक्ष्मी माता का चमत्कार है। दिवाली के कुछ दिन के बाद गीता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सोहन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर गीता को चेक करता है। मुबारक हो मोहन जी, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद गीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसका नाम वो लक्ष्मी रखती है। माता रानी की कृपा से अब सभी मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे। रामपुर नामक गांव में मदन नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी सुमन और बेटी पिंकी के साथ रहता था। मदन मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। बर्तन बेचकर वो जो कुछ कमा पाता था उसी से वह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन मदन और सुमन दोनों बात कर रहे थे। सुमन, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, इसलिए हमें अब पहले से ज्यादा दिए बनाने चाहिए। जी क्या फायदा इतने दिए बनाने का, लोग इन मिट्टी के दियों को लेते कहाँ हैं? जब से मार्केट में ये विदेशी दिए और लाइट्स आई हैं, तब से लोग मिट्टी के दिए जलाते ही नहीं हैं। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हम इसमें और क्या कर सकते हैं? हम तो दिए ही बना सकते हैं। देखते हैं इस दिवाली हमारे दिए बिक पाते हैं या नहीं। तभी उनकी बेटी पिंकी वहाँ आ जाती है। पिताजी, इस दिवाली मुझे नई ड्रेस और पटाखे चाहिए। वो सहेली ने नई ड्रेस ली है, वो बोल रही थी कि दिवाली की पूजा में वो नई ड्रेस पहनेगी। हाँ बेटा, इस बार हमारे दिए बिक जाएं, फिर तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस और पटाखे लाऊंगा। मदन दिए बनाने लगता है और बहुत सारे दिए बनाता है। अगले दिन मदन जल्दी उठकर सारे दिए अपनी ठेली पर रखकर बेचने चला जाता है। दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो। मदन पूरा दिन घूमता है लेकिन उसके दिए नहीं बिक पाते। हे भगवान, आज तो एक भी दिया नहीं बिका। पता नहीं हम अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे। यहाँ तो रोजी रोटी तक के पैसे नहीं बन पा रहे और पिंकी की नई ड्रेस भी तो लेनी है। कितने समय बाद तो मेरी बच्ची ने मुझसे कुछ मांगा है। ये सब सोचते सोचते मदन दिए बेच रहा था और सुबह से शाम हो जाती है और मदन उदास मन से घर लौट आता है। जैसे ही मदन घर पहुंचता है, पिंकी भागकर अपने पिता के पास आती है। पिताजी पिताजी, आप मेरे लिए ड्रेस ले आए। तभी वहां सुमन आ जाती है। अरे बेटा, अभी तो दिवाली आने में 3 दिन है, बाद में ले आएंगे तुम्हारे लिए ड्रेस, अभी तुम बाहर जाकर खेलो। पिंकी बाहर खेलने चली जाती है। जी क्या हुआ, आप इतने निराश क्यों लग रहे हो? क्या करूं सुमन, दिवाली आने वाली है लेकिन कोई भी ये मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। आज पूरे दिन में एक भी दिया नहीं बिका। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं है, तो दिवाली और पूजा, पिंकी के लिए नई ड्रेस और पटाखे कहाँ से लाऊंगा? जी आप दिल छोटा मत करिए, अभी दिवाली को कुछ दिन है, क्यों ना हम और सुंदर दिए बनाए। अगर हम इस बार रंग बिरंगे दिए बनाए, क्या पता फिर हमारे दिए बिक जाए। मदन सुमन की बात मान लेता है और फिर वो दोनों मिलकर दिए बनाते हैं और उनमें रंग भरते हैं। अगले दिन मदन फिर से दिए बेचने जाता है, लेकिन जाते जाते मदन की ठेली को एक गाड़ी टक्कर मार देती है और मदन को चोट लग जाती है। मदन को ऐसे सड़क में गिरा देख लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसको पट्टी करवा देते हैं। मदन फिर घर चला जाता है, उसके बहुत दिए टूट गए थे। मदन की ये हालत देखकर सुमन रोने लगती है। हे भगवान,
भगवान, ये आपको क्या हो गया है? मदन सुमन को सारी बात बताता है। भगवान का शुक्र है, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में खाने तक का सामान नहीं है और ऊपर से ये चोट लग गई, और जो दिए बनाए थे वो भी टूट गए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भगवान क्या चाहता है, क्यों हमारे साथ ये सब कर रहा है। मदन सुमन से कहता है, कल दिवाली है, अब तुम्हें ही सारे दिए बनाने पड़ेंगे और फिर बाजार में ले जाकर उन्हें बेचना भी पड़े। सुमन उस दिन नए दिए बनाती है और अगले दिन उन्हें बाजार ले जाती है। माँ माँ, मैं भी आपके साथ दिए बेचने चलूं? ठीक है, तुम भी चल पड़ो। फिर वे दोनों दिए बेचने चले जाते हैं। दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो, दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। तभी कुछ औरतें उनके पास आती हैं और उनसे कुछ दिए लेती हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर बनाए हैं, ये दिए मैं लक्ष्मी माता की पूजा के लिए इस्तेमाल करूंगी। हाँ हाँ, मैं भी ये दिए माता रानी की पूजा के लिए ले रही हूँ। वो औरतें दिए लेकर चली जाती हैं। तभी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ हम भी आज लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। बेटा, पूजा करने के लिए पूजा का सामान चाहिए और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम आज का खाना भी पेट भर के खा सकें, और ऊपर से तेरे पिताजी भी ठीक नहीं है, उनको चोट लगी है, तो ऐसे में पूजा का सामान कैसे लेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। पिंकी को ऐसे उदास देखकर सुमन पिंकी से पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम्हें कौन से रंग की ड्रेस लेनी है। माँ मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, लेकिन हमें भी माता रानी की पूजा करनी है। सुमन पिंकी को बोलती है कि उसके पिताजी को चोट लगी है, उनके लिए दवाई और खाने का सामान लेना है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ पिंकी ने पूरा मन बनाया था कि वो भी माता रानी की पूजा करना चाहती है। दिए बेचते बेचते उन्हें शाम हो जाती है। सुमन और पिंकी के अभी कुछ दिए बाकी थे, तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। बेटा ये दिए कैसे दिए? 10 रुपए के 5 दिए हैं माता जी। ठीक है बेटी, तुम ऐसा करो सारे दिए मुझे दे जाओ। तभी पिंकी उस बूढ़ी औरत से बोलती है, माता जी क्या आप भी ये लक्ष्मी माता रानी की पूजा करने के लिए ले जा रही हो? हाँ हाँ बेटा, मैं भी माता रानी की दिवाली पर पूजा करूंगी, तुम्हें भी करनी है क्या पूजा? हाँ मैं भी करूंगी माता रानी की पूजा, है ना माँ, हम करेंगे ना आज पूजा। बूढ़ी औरत सारे दिए ले जाती है और जाते समय उनमें से एक दिया पिंकी को दे जाती है। ये लो बेटा, आज दिवाली पूजा में इस दिए को जला लेना, माता रानी सबके साथ है। और वो वहाँ से चली जाती है। सुमन और पिंकी अब घर जाने लगते हैं। तभी सुमन पिंकी से बोलती है, चलो दुकान से कुछ खाने का सामान और तुम्हारी ड्रेस ले लेते हैं, इन पैसों से तुम्हारे लिए ड्रेस तो ले ही सकते हैं। तुम कितने दिनों से इस ड्रेस के लिए बोल रही थी? माँ मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, तुम इन पैसों से पूजा का सामान ले लो। पिंकी की बात सुनकर सुमन का मन भर आया और वो बिना कुछ बोले उन पैसों से पूजा का सामान ले लेती है। पिंकी भाग कर घर के अंदर जाती है और अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी जल्दी आ जाओ, हम भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ये देखो मेरे पास एक दिया भी है और माँ पूजा का सामान ले आई है। फिर वो सब मिलकर पूजा करने लगते हैं। पिंकी जैसे ही दिया जलाती है वह सोने का दिया बन जाता है और इस दिए में से एक और नए सोने का दिया निकलता है। पिंकी खुश हो जाती है। अरे एक और दिया! ये सब देखकर सुमन और मदन दंग रह जाते हैं और पिंकी उस दिए को भी जलाती है तो एक और सोने का दिया निकल जाता है। सब ये देखकर हैरान थे। पिंकी जैसे जैसे दिए जला रही थी वैसे वैसे उसमें से एक और नया सोने का दिया निकल रहा था। तभी माता लक्ष्मी जी उन सबको दर्शन देती है। ये कोई साधारण दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। आपकी बेटी बिना किसी इच्छा से मेरी पूजा करना चाहती थी, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने इसे ये जादुई दिया दिया है। वो सब मिलकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। फिर पिंकी पूरे घर में वो दिए जलाती है और वो उन दियों को बेचकर अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी